नमस्कार मित्रों, मैं हूं तांत्रिक चंदन शास्त्री। आप सभी को मेरे तंत्र मंत्र टोने टोटके चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं बहुत ही खतरनाक मोहिनी मंत्र, जिसके सामने आप बोल दिया वो आपका गुलाम बन जाएगा। ये खतरनाक मोहिनी मंत्र जिसके सामने आप बोल दिया वो आपका गुलाम बन करके ही रहेगा। बहुत ही शक्तिशाली मोहिनी मंत्र मैं बताने जा रहा हूं और बहुत ही खतरनाक मोहिनी मंत्र है। लेकिन इस मंत्र को कैसे बोलना है, आपको तेज आवाज से नहीं बोलना है, जोर से नहीं बोलना है, जिसके सामने खड़ा हो करके मन ही मन इस मंत्र को 7 बार अगर आप दोहरा देते हैं तो सामने वाला आपका गुलाम बनकर ही रहेगा। तो इसको कैसे बोलना है, इसकी तरीका और इसकी विधि पहले जान लीजिए। आप हमारे वीडियो पर आखिरी तक बने रहे। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा। कमेंट बॉक्स पर जाकर के हर हर महादेव जरूर लिखे, ताकि बाबा भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर सदा के लिए बनी रहे। तो मित्रों, चलिए आज मैं सिखाने जा रहा हूं कि खतरनाक मोहिनी मंत्र को कैसे आपको बोलना है। तो उसको बोलने से पहले कुछ प्रक्रिया है, छोटा सा प्रक्रिया, कोई बड़ा प्रक्रिया नहीं है। आपको शुक्रवार के दिन में आपको लेना होगा 10-20 रुपया का केसर। 10-20 रुपया का केसर ले लीजिएगा और गुलाब का जल ले लीजिएगा। उस केसर को गुलाब के जल में उसको घोल करके एक स्याही आपको बनाना है। और स्याही बनाकर क्या करना है, आपको लेना होगा एक सफेद कोरा कागज। अब सफेद कोरा कागज में करना क्या है, एकदम ध्यान पूर्वक देखिए, आपको मैं सिखाने जा रहा हूं। और इसको प्रयोग अगर आप कर दिए तो जीवन भर के लिए जो है आपका हो जाएगा। आप अपना बॉस को, आप अपना पार्टनर को, अपने स्त्री को, अपने पत्नी को या किसी भी लड़की को आप अपने प्यार में उसको बसीभूत कर सकते हैं और उसे आप गुलाम बना करके रख सकते हैं। ये मंत्र बोलते ही गुलाम बन जाएगा। तो इसको कैसे करना है, तो केसर को जो आप गुलाब के जल में घोल करके रखे थे उससे आपको एक सफेद कोरा कागज पर कोई भी माचिस का तिल्ली हो, चाहे कोई भी शुद्ध लकड़ी हो, उससे एक कलम टाइप का बना लेना है। और उसी केसर का जो घोल है, स्याही है, उससे सबसे पहले कोरा कागज के ऊपर में एक आपको त्रिकोण बनाना है। ये त्रिकोण देखिए, मैं बता रहा हूं त्रिकोण को कैसे बनाना है। ये त्रिकोण को आपको बनाना है। त्रिकोण के नीचे में एक मैं बॉक्स बना दे रहा हूं, देखिए त्रिकोण के नीचे एक बॉक्स है, ठीक है। त्रिकोण के सबसे ऊपर में आपको क्या लिखना है, सबसे ऊपर में लिखना है, देखिए मैं लिखा हूं ओम। पहले लिखना है सबसे ऊपर में, त्रिकोण के सबसे ऊपर में आपको लिखना है ओम, ठीक है। त्रिपुर सुंदरी, मैं ये मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। सबसे पहले ऊपर में ओम, उसके नीचे लिखिएगा त्रिपुर सुंदरी अंग आंग ओम ओम हुम फट स्वाहा। ओम त्रिपुर सुंदरी अंग आंग इंग इंग हुम फट स्वाहा। फिर सुन लीजिए, सबसे ऊपर में लिखिएगा ओम त्रिपुर सुंदरी अंग आंग इंग इंग हुम फट स्वाहा। इस मंत्र को आपको उसमें लिखना है। लिख करके आपको पूजा स्थान में इसको त्रिकोण को रख देना है, सफेद कागज का त्रिकोण को, और चारों तरफ से इसको कटिंग कर लेना है। नीचे में जो एक तो खाली जगह आपको दिया गया है, नीचे में इस खाली जगह पर आप अपना नाम, अपना गोत्र लिख दीजिएगा।
आप अपना पिता का भी नाम इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद इसको पूजा स्थान में त्रिकोण को रख करके त्रिकोण की तरफ देख करके इसी मंत्र को 108 बार आपको बोलना है, जो मंत्र उसके त्रिकोण के अंदर लिखे है वो पूरी तरह से त्रिकोण भी सिद्ध हो जाएगी, वो मंत्र भी आपका सिद्ध हो जाएगा। उसके बाद इस त्रिकोण को क्या करना है, जिसमें मैं मंत्र लिख करके रखा हूं, इस त्रिकोण को क्या करना है, कोई भी चांदी का ताबीज, तांबे का ताबीज या सोना का ताबीज, जो भी आपका संभव हो उस ताबीज के अंदर इसको डाल दीजिएगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, आपका अपने मोबाइल स्क्रीन पर सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाइएगा। इसको ताबीज के अंदर भर करके लाल रंग का रेशम का धागा से पूजा पाठ करके आपको बाजू में या गले में पहन लेना है, या हाथ की कलाई में भी पहन सकते हैं, पहन लीजिएगा। उसके बाद जिसको भी आपको गुलाम बनाना हो, जिसको भी बनाना, आपका बॉस, मालिक, पार्टनर, किसी को भी, मन ही मन 7 बार इस मंत्र को आपको बोल देना है। आप बोल करके अपने शरीर में फूंक मार देना है, आप उसके पास चल जाइए। जैसे उसके नजदीक में जाइएगा, ये मंत्र की इतनी शक्ति, इतने प्रभाव वाली पावर है, वो आपका मोहब्बत में पूरी तरह से गुलाम बन जाएगा, वो वशीकरण हो जाएगा, और बहुत ही शक्तिशाली मोहिनी मंत्र है। इसको आप जरूर प्रयोग करके देखें, आपको सफलता मिलेगी। इसी आशा उम्मीद के साथ फिलहाल मैं आपसे विदा लेता हूं। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। जय माता राम।